मैं भी उठाऊ साइकिल यार, मेरे पास भी एक है साइकिल। देखो तो आप देख सकते हैं पूरा नीचे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। गुड मॉर्निंग गाइज, नमस्ते, राम राम जी। मैं स्वागत करता हूँ आपका एक और नए ब्लॉग में, एक और नई राइड के साथ, एक और नए दिन के साथ। एक और नए दिन की शुरुआत हो रही है अपनी बिहार से। सो गुड मॉर्निंग फ्रॉम बिहार। दोस्तों, बिहार में एंटर हुए थे, यहाँ के न्यूज़पेपर वालों ने भी अभी हमें कवर किया है कल रात को, और आज सुबह हमने न्यूज़ में भी देख लिया है। आप भी देख लेना अपने चैनल पर, जो कम्युनिटी पोस्ट होती है उसमें मैंने पोस्ट भी किया है। तो दोस्तों, अभी यही कुछ टाइम हुए हैं, यहाँ पे 9 बज चुके हैं। आज हम थोड़ा लेट उठे थे क्योंकि बॉडी रिकवरी भी ज़रूरी है यार। जो भी 150 किलोमीटर की आप अगर राइड करते हैं एक दिन में, तो आपकी बॉडी को रिकवरी भी चाहिए, रेस्ट भी चाहिए। अच्छा, तो पूर्णिया हमारा कल पहुंचने का प्लान है, तो आज हम यहाँ से 80 to 100 किलोमीटर और करेंगे। उसके बाद कल रह जाएगा वो देखा जाएगा जितना भी रहेगा। तो अब यहाँ से निकलेंगे, यही कुछ टाइम 9 बज चुके हैं, 9:30 हो चुके हैं शायद। तो आप लोग में ऐसे बने रहिए, आपको ब्लॉग कैसे लग रहे हैं ये लिख के ज़रूर बताया करो यार, और क्या अच्छा हो सकता है, और अच्छा हम क्या बना सकते हैं, और अच्छा हम क्या दिखा सकते हैं आपको, ये भी ज़रूर लिख के बताया करो कमेंट सेक्शन में। कमेंट बहुत कम आ रहे हैं आपके, शेयर करिए प्लीज़। तो दोस्तों, आपको एक बात बता देते हैं, हम यहाँ पे बिहार के जो बांकर नाम की जगह है यहाँ पे पहुँचे थे कल रात को। यहाँ पे इस पेट्रोल पम्प पे स्टे किया था, तो यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे हमें एक पर्वत नज़र आ रहा है, और यहाँ के जो लोगों ने बताया कि यहाँ पे समुद्र मंथन के टाइम यहाँ पे मंदिर बना था ये, और ये यहाँ पे पर्वत है, एक मंदाक पर्वत के नाम से एक जगह है। तो वहाँ पे अगर आप लोग यहाँ पे कभी आए तो ज़रूर जाएं, यहाँ का भी थोड़ा टूरिज्म बढ़ाएं। और कोई मेरा भाई बिहार से या फिर यहाँ का कोई लोकल बंदा अगर कोई मेरा ब्लॉग देख रहा है, जो यहाँ पर जाके है, अपने एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना हमारे साथ। कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना कि आपको यहाँ का कैसा नज़ारा मिला, कैसे आपको मतलब दर्शन हुए, जो भी कोई छोटी छोटी पॉइंट्स हैं जो भी आपको ठीक लगे, आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और क्या नाम है, जो ये समुद्र मंथन हुआ था जिस वक्त, उस वक्त से ही ये पर्वत जो था मंदाक पर्वत, उस समय का ही है। और यहाँ पे मान्यता है कि आप यहाँ पे जाएं और आप अपना दर्शन करें, यहाँ पे आपको रोप वे मिल जाएगा, आपको कोई भी आपको जो भी सुविधा चाहिए, आपको पैदल जाना आप पैदल भी जा सकते हैं, रोप वे से जा सकते हैं। रोप वे का जो यहाँ का जो भी है प्राइस वगैरह का, वो थोड़ा आप गूगल पे सर्च कर लेना, ज़्यादा मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं है क्योंकि हमारे पास समय की थोड़ी सी पाबंदी है, इसलिए हम वहाँ पर जा नहीं पा रहे यार, और हमें अभी निकलना है, इसलिए आप थोड़ा सा आप लोग में बने रहिए और ऐसे ही जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, स्मार्ट सिटी भागलपुर में आपका स्वागत है। भागलपुर पहुँचे भाई, बहुत ही मिन्नतों के बाद इस हाईवे पे, हाईवे तो क्या है, बस जानलेवा हाईवे है, 100 किलोमीटर लंबा हाईवे है। अभी तक बना नहीं रहे सरकार, बिहार सरकार क्या कर रही है समझ ही नहीं आ रहा। इतना गंदा हाईवे, इतना कंजस्टेड हाईवे था, आपको रुक के सारी डिटेल दूंगा इस हाईवे की, इतना गंदा एक्सपीरियंस था इस हाईवे का, और कुछ परसेंट अच्छा था। तो फाइनली भागलपुर पहुंच गया, भागलपुर सिटी यहाँ से 3 किलोमीटर रह गई है। दोस्तों, हम इस हाईवे पे 100 किलोमीटर लंबा सफ़र करके आए हैं, सबसे ज़्यादा कंजस्टेड हाईवे था ये, इतना ट्रैफिक, इतनी बस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये बिना बात हॉर्न, मतलब एक चीज़ की हद होती है हॉर्न बजाने की, कि सामने वाला इरिटेट ना हो जाए ना, इतने हॉर्न ब्लो होते रहते हैं। देखिए बाइक भी देख सकते हैं आप, हर जगह यही सिस्टम चल रहा है, ट्रक वाले तो कुछ समझ ही नहीं रहे, सबको उड़ाते हुए चल रहे हैं, ऐसे ओवरटेकिंग है इस हाईवे पे, बिल्कुल रफ ड्राइविंग, सबसे गंदी ड्राइविंग इस हाईवे पे देखी है मैंने अभी तक। हाईवे तो कुछ नहीं है, वन वे से भी कंजस्टेड हाईवे था ये, हाईवे भी नहीं है ये, स्टेट हाईवे, मैंने सुना है कि स्टेट हाईवे है जो बिहार और झारखंड सरकार ने जोड़ा हुआ है, मतलब यहाँ से भागलपुर को कनेक्ट किया हुआ है झारखंड से। तो दोस्तों, ये हाईवे बहुत ही गंदा हाईवे था, अभी तक इस पर कोई सिस्टम नहीं था, मतलब लोग ऐसे गंदी हरकतें कर रहे थे ना, और गंदगी मैं कह रहा हूँ हर जगह गंद मचा रखा है लोगों ने, कहीं पे बांध थूक के, कहीं पे कचरा फैला के। तो उन सबसे गुजारिश है दोस्तों भाई, थोड़ा सा आप समझो, थोड़ा सा लोगों को समझाओ, ये गंदगी फैलाना बंद कर दो यार,
ठीक है, आप समझेंगे तो आगे वाले बंदे समझेंगे, अपने आप समझ जाएंगे भाई। अगर आप खुद से समझ जाएंगे ना तो अगले वाला आपको देख के सीख लेगा। थोड़ा सा आप भी स्वच्छ बनो और देश को भी स्वच्छ बनाओ। और एक बात और थी, इस हाईवे पे इतनी रफ ड्राइविंग थी ना, सोच भी नहीं सकता कोई। ओवरटेकिंग, हॉर्न ब्लो, डिप्पर, मतलब ना किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे, आपस में ऐसे लड़ रहे कि मैं उससे जल्दी जाऊँ। अब देखो बिल्कुल खाली पड़ा है रोड, बिना बात हॉर्न बजाने का क्या मतलब है, समझो भाई। सामने वाला इरिटेट हो जाता है, साइकिल पे तो चलने का भी रोड नहीं है। ये दो बार तो मैं बचाऊँ भाई, ऑनेस्टली बताऊँ तो, वीडियो नहीं बनाई, दो बार तो मैं बचाऊँ। बहुत ही गंदा हाईवे था, साइकिल मैंने वहाँ पार्क कर रखी है। और मेरी जो साइकिल का जो पीछे वाला कैरियर है, जो जिसपे सामान रखा हुआ मैंने, वो भी बजने लग गया है, वो भी इधर उधर डोलने लग गया है। क्या बताऊँ यार, सामान कुछ ज़्यादा था और ना वेट बहुत ज़्यादा हो रखा है, और ये बहुत ही गड्ढे हैं इस रोड पे। तो थोड़ा सा सरकार से, जो भी यहाँ का MLA वाले है जो भी है, उनसे अनुरोध है कि थोड़ा सा देखे भाई रोडों की तरफ भी, और जो गंदगी मचा रखी है लोगों ने, उसके लिए भी थोड़ा सा लोगों को उजागर करें। लोग अपने आप से, आप समझोगे ना तो सब सही हो जाएगा। तो इतनी सी बात थी, अब चलते हैं भागलपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, एंटर होते हैं तो वहाँ पे आपसे बात करेंगे। और पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा है यार, तो बिहार सेकंड नंबर पे इसीलिए आता है भाई। देख लो पुल, रेलवे ट्रैक का पुल है ये, इसके ऊपर देख लो कितनी भीड़ है यार। आपको शहर में तो क्या ही बताऊँ, ये भागलपुर का स्टेशन है और ये भीड़ देख लो, और ये टी 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 पी 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 लगे हुए हैं लोग। पुल के ऊपर वैसे खड़ा होना गैरकानूनी है, बट इतने लोग खड़े हैं, समझना चाहिए यार। लो जी सर, देख लो भाई, ट्रेन भी आ गई, गाड़ी भी आ गई, रिक्शा भी आ गई, और अपनी साइकिल भी आ गई भाई, और नीचे भी जा रही है ट्रेन। मज़ा आ रहा है भाई बिहार में, मतलब इतनी पॉपुलेशन यार, छोटे से स्टेट में इतनी पॉपुलेशन कैसे यार। देख रहा जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक लोग लोग दिख रहे हैं, फिर ऐसे ही है। गुड इवनिंग दोस्तों, यही कुछ टाइम 4:30 बज चुके हैं शाम के, हम पहुँचे थे भागलपुर। भागलपुर पहुँचने के बाद कुछ हमने स्नैक्स वगैरह लिए थे, तो ये भैया मिले थे हमें, राजरंजी नाम है इनका। तो इन्होंने हमारा बोर्ड वगैरह पढ़ा पीछे से, तो इन्होंने हमसे बात करी, इनसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, हमने पूरी जर्नी इनके साथ डिस्कस करी है। तो भैया आपको कैसा लगा? अरे मतलब ये तो समझिए कि एक अपॉर्चुनिटी होती है कि मतलब आप लोग मुझे मिल गए, और जब हम लोग बातचीत किए तो आपने जो स्टोरीज मुझे सुनाई है ना, ये ऐसा लग रहा था कि मैं उस स्टोरी का एक कैरेक्टर हूँ, एक हिस्सा हूँ, हिस्सा बन गया हूँ। मतलब ऐसा फील हो रहा था कि मैं ही वो इंजॉय कर रहा हूँ, ज्वाइन हो गया। दोस्तों इन भैया से मिले, और जैसे कि हम दोनों ट्रैवल कर रहे थे तो ऐसे भैया मिल गए, ऐसे ही और जने मिल जाते हैं हमें। तो इनके साथ हमने, हमारा फर्स्ट टाइम था जिसके साथ हमने हमारी अभी तक की पूरी जर्नी हमने, और इससे पहले वाली जो वैष्णो देवी वाली जर्नी थी वो हमने पूरी डिस्कस कर ली इनके साथ, जो भी उतराव चढ़ाव भाई लिख रहा है। हाँ मतलब एक छोटी सी समरी, छोटी सी वो मोरल होता है ना, वो हो गया। तो इन सबसे मिल के बहुत अच्छा लगा। अभी यहाँ से अभी जो यहाँ से है 1 किलोमीटर के आगे आपको मिलेगा विक्रमशिला सेतु, ठीक है। ये 5.5 किलोमीटर लंबी पुल है भागलपुर में, और ये गंगा नदी के ऊपर है, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये तीसरी सबसे लंबी पुल में से हो। थैंक यू सो मच, आपने इतनी बढ़िया जानकारी बताई हमारे। अरे यार मैं खुद एक्साइटेड हूँ भाई आप लोगों से मिलकर, इतना जबरदस्त मतलब ऑल इंडिया टूर। मेरा भी मूड हो रहा है कि भाई एक तो एक दिन मैं भी उठाऊँ साइकिल यार, मेरे पास भी है साइकिल। देखो दोस्तों, हम जिस इंस्पिरेशन लेने के लिए निकले थे ना, हमें देख के, मैंने आपको दिखाया नहीं, बहुत लोग इंस्पायर्ड हो रहे हैं हमसे, यूथ जल्दी हो रहा है, तो हम चाहते हैं यूथ अगर सुधरेगा ना तो ऊपर नीचे वाले सब अपने आप सुधर जाएंगे भाई। तो ऐसे ही आप लोग बने रहिए, आपको दिखाते हैं विक्रमशिला सेतु गंगा नदी के ऊपर जो बना हुआ है, गंगा जो सबसे अपनी पौराणिक और पवित्र नदियों में से एक है और सबसे बड़ी नदी है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं, बेस्ट ऑफ लक टू योर जर्नी, आई होप सो। भैया से मिलके बहुत अच्छा लगा, ऐसे ही बंदे हमें मिलते हैं तो बहुत मज़ा आ जाता है। तो आगे चलते हैं अब जी दोस्तों, बोर्ड देख लिया है, आगे हमें पुल भी नज़र आ रहा है, तो चलते हैं वहाँ पे शाम होने से पहले।
दोस्तों जहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं यह है विक्रमशिला सेतु। तो ये आपको पीछे नज़र आ रही है, यह है गंगा नदी। और हमने इस ट्रिप पे बहुत सारी नदियों को क्रॉस किया है, तो गंगा नदी रहती थी, गंगा नदी को भी कर लिया। गंगा नदी अपने पवित्र नदियों में से एक है, भारत की जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। कहते हैं कि इसके अंदर डुबकी लगा ले तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये जो पुल है ये NH 80 और NH 31, मतलब NH 80 और NH 31 को जोड़ता है, और ये भागलपुर को पूर्णिया से जोड़ता है। मतलब यहाँ पे भागलपुर एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, और पूर्णिया एक डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ से कुछ 90 किलोमीटर दूर उसको भागलपुर को ये पूर्णिया से जोड़ता है। ये पूरा 4.7 किलोमीटर लंबा पुल बना हुआ है, जो कि ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में बना हुआ है। आप सारी देख रहे हैं, पूरी नीचे गंगा नदी है, जो कि अपने भारत में सबसे पुण्य नदियों में से एक मानी जाती है। तो दोस्तों मस्त मजा आ रहा है यार, मतलब ये राइड। और आप सामने देख पा रहे होंगे मेरे उस तरफ पूरा अंधेरा हो चुका है भाई, पूरा अंधेरा, मतलब ना फोग ही फोग हो रखे चारों तरफ। पानी इतना ज़्यादा नहीं है इस पर, बट इस पुल पे जो है ना ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यार। मतलब इसको इसी हिसाब से बनाया गया है कि ये ट्रैफिक के हिसाब से मतलब थोड़ा सा तगड़ा रहे, इसका जो भार जो सहने का भार जो सहने का इसकी शक्ति है वो थोड़ी सी तगड़ी बनाई गई है। अच्छी क्वालिटी का इस पर इस्तेमाल किया गया, आप इसके बारे में गूगल पे सर्च कर सकते हैं, बहुत तगड़ी चीज़ है ये। और जैसे कि आप पूरा देख पा रहे हैं बहुत ही सुंदर नज़ारा है, सनसेट नहीं दिख रहा यार, क्योंकि ना सारे फोग ही फोग हो रखा है, सनसेट नहीं नज़र आएगा आपको। वरना सनसेट ना इसमें दो सूरज नज़र आते हैं, एक तो आपको रियल सूरज और पानी के अंदर। तो दोस्तों ये दिखा देते हैं आपको, ये देखो ये अपनी साइकिल है, और ये गंगा नदी, और ये है विक्रम सेतु। उस तरफ देख लो भाई, ये देखो बहुत ही सुंदर। तो चलो दोस्तों अब चलते हैं, अपना ठिकाना ढूंढते हैं आज का। दोस्तों पूरे मजे आ रहे हैं आपको जैसे नज़र आ रहे हैं नीचे, ये देखो ये नीचे ना लोगों के खेत भी है भाई, नदी के अंदर ही खेत बने हुए यार। मतलब कोई मिट्टी वाला एरिया होगा ना, नदी तो यार नेचुरल बनती है, आप देख सकते हैं पूरा नीचे जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको। खेतों के बाद से फिर से नदी शुरू हो गई है, आप देख रहे हैं जैसे ये खेत थे पीछे, कईयों ने तो झोपड़ी भी बना रखी है अपनी रहने के लिए, ट्रैक्टर वगैरह भी ला रखे हैं यहाँ पे, पता नहीं कैसे लाए होंगे, कहीं ना कहीं से तो एंट्री की है इन्होंने। और ये फिर से नदी शुरू हो गई भाई, लो जी बहुत ही सुंदर। हेलो गुड इवनिंग दोस्तों, हम वहाँ से विक्रम सेतु से यहाँ पे आ गए हैं इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे, आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा सब कुछ। तो यहाँ पे आके हम नहा भी लिए हैं, यहाँ के बंदे A1 यार, मतलब बिहार में पहुँचने के बाद ना मेरे को यूँ लग रहा है हम हरियाणा में ही हैं, अपने भाई बंधु ही मिले हुए हैं। मतलब जैसे साउथ में गए हुए थे तो वहाँ पे अपने को भाषा समझ नहीं आ रही थी। और आपने देख रहा होगे मैंने कैप पहन रखी है भाई, बहुत ज़्यादा ठंडा है, नहाने के बाद यहाँ पे ठंड ज़्यादा लग रही थी। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे साइकिल पार्क कर रखी है, यहाँ पे ही साइकिल लगा रखी है, और यहीं पे ही हमने टेंट लगा लिया है। हमारे पीछे नहाए थे जो आपने देख लिया होगा, और आपको गंगा और वहाँ पे जो विक्रम सेतु बना हुआ उसकी थोड़ी जानकारी दी थी जितनी मुझे पता थी। तो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताना। और ये कुछ भाई लोग हैं यार यहाँ पे पेट्रोल पम्प वाले, ये नाइट शिफ्ट में आए ना सभी, ये भाई साहब ये सब नाइट शिफ्ट में आया है, देख सकते हैं इन्होंने हमें रुकने के लिए यहाँ पे परमिशन दिलाई है। यहाँ के जो ओनर है बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मतलब पहली बारी में हमें हाँ बोल दिया था। बिहार में आते ही हम दूसरी बार रुक रहे हैं बिहार में किसी भी पेट्रोल पंप पे, जहाँ पे वहाँ रुके थे बांका में, वहाँ पे भी उन्होंने आधी बात सुनते ही हमें हाँ बोल दिया था, और यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ। तो थैंक यू सो मच अंकल जी, आपने बहुत अच्छा साथ दिया अगर आप वीडियो देख रहे हो तो। और अब यहाँ पे सोएंगे भाई, वीडियो का एंड करते हैं वरना बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो आपको व्लॉग कैसे लग रहे हैं लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पे कोई भाई नया आया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, एक और नई राइड के साथ। ओके बाय, लव यू ऑल, गुड नाइट। दोस्तों मैंने व्लॉग एंड कर दिया था यार, आपको एक बात बताता हूँ, हम जहाँ पे पेट्रोल पंप पे रुके हैं ना, वहाँ के जो स्टाफ वाले जो भैया हैं यार ग्रेट यार, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। हम यहाँ पे साइड में गए खाना खाने, तो वहाँ पे यार सब कुछ नॉन वेज वेज सब कुछ एक साथ मिक्स कर रखा है। मेरा बिल्कुल मन नहीं किया खाने का, क्योंकि मैं भाई प्योर वेज खाना खाता हूँ। तो वो भाई लोगों ने ना सब अपने घर से खाना लेके आए थे अपना अपना, तो हमें
दे दिया, बोले हम वो सब अपने आप एडजस्ट कर लेंगे, आप खाइए। तो पंकज आपको कैसा लग रहा है? एक नंबर भाई, इधर देख के था, मजा आ रहा है सफरनामे सफरनामे मजे आ रहे हैं, मन कर दिया सफरनामे में मजे आ रहे हैं। कल अपने को भाई पूर्णिया पहुँचना है, घर पर जल्द जल्द पहुँचना है, खाना खाना है, खाना खा रहे हैं हम। आप जल्दी आप कैमरा नीचे की सारी बार ये हमारी रोटियाँ भी हैं, आप पता है लोगों, और ये भी दाल और ये भी भाई मिक्स वेज, मिक्स वेज और ये भी भाई भिंडी की, ठीक है। हम लोग इसको बड़े प्यार से खाएंगे, भैया का शुक्रनामा करेंगे। आप ऐसे एक्टिंग मत करो, जो हम बोल रहे हैं उनको बोलने दो भैया। एक्टिंग नहीं कर रहे सर, हम ऐसे कर रहे, थोड़ा सा जोर से बोले, हमारा फोन थोड़ा बूढ़ा हो चुका है। नहीं, फोन आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही होगी, जैसे कि आप लोग बताओ आपका आवाज़ मेरे से क्लियर आ रही है ना, कमेंट में लिख के जरूर बताना भाई। आप खाना खाएंगे, तंबू में सोएंगे, साइकिल अपने पार्क कर लिए, पानी की बोतल अपने भर ली है, खाना खाते हैं, रोटी बहुत सारी हैं, पेट भर जाएगा, आराम से खाएंगे। चलो भाई, तो टाटा, बाय बाय, सभी।